हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो अभी सुबह के 7 हो रहे हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं, अभी काम करना है। तो शायद आज मेरी वॉइस थोड़ी डल लग रही होगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। आई एम लिटिल अपसेट बट ओके। एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। उसके लिए इस ब्लॉग में आप बने रहे मेरे साथ, चलते हैं। भैया अब हम लोग आए थे तो गाइस हम लोग निकल गए हैं रास्ते के लिए एयरपोर्ट के, और अब सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। कब की 10:35 बोर्डिंग है, 11:20 जो है डिपार्चर है। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं सबसे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? व्यायाम का तो लग रहा है, कहीं घूमने जा रहे हो, सुबह खुश है। हेलो, कैसे हो मोनू? थोड़ा खराब लग रहा है, इतना एक साल रह के फिर हैदराबाद जाना हो रहा है। तो एयरपोर्ट अच्छी बताएगा, इतना लंबा रह लेना तो आदत हो गई। और वैसे भी मुझे तो फैमिली ज़्यादा ही पसंद आ रही है, उनके साथ रहना फन रहता है। अभी तो कहाँ पसंद है, ठीक है चलो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलो बयान, ओके भैया, ठीक है चलो पापा के साथ विहान दौड़, उठ जाओ, दौड़ना नहीं है, पापा के साथ चलना है, पापा के साथ पकड़ के चलो। We'll go
यहाँ पे पहले चेकअप होता है। आईडी निकाल लो। हाँ आईडी निकाल लिया। बब्बा बब्बा घर पे हैं। पापा पापा उधर है। पापा लगेज जमा कर रहे हैं। पापा बाबा बाबा घर पे है बेटा। पापा पापा उधर है। हो गया सब। अभी अच्छा है कि ये वेट इशू नहीं है ना। तो गाइस अगर अभी आप आ सकते हैं तो आप कितना भी वेट ला सकते हैं। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हैंड बैगेज और चेक इन बैग एक में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं। बस उसमें पावर बैंक ना। अच्छा बोर्डिंग पास हमारे पास है और विहान बहुत तंग कर रहा है। शॉपिंग मॉल समझ लिया। भागे जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर। हाँ इनको बस छोड़ दीजिए चलते रहे कहीं ना कहीं। कौन सा गेट नंबर है? 5 5। चलिए ऊपर है क्या? ऊपर है सर। चलिए गेट नंबर चेंज कर देता है याद है जब हाँ जब भी आते हैं वो चेंज कर देता है और हमेशा ऊपर ही रहता है। हाँ गेट हमेशा चेंज कर देता है। पहले बोलेगा ये गेट बनारस का यही रहता है और बोर्डिंग के हाफ एन आवर पहले जो है। बट हैदराबाद से आते हुए कभी नहीं हुआ ऐसा। हैदराबाद से नहीं होता है वहाँ पे फिक्स्ड है। हाँ सर चलो ये भी बैठा। क्या कर रहे बेटा? क्या ये चाहिए? क्या होगा? क्या करेंगे आप? खेल लो। ये बनारसी साड़ी का स्टोर है। यहाँ पे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर रूम भी बनाया गया है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो बहुत तंग करते हैं। एक्चुअली व्यान कर भी रहा है इधर उधर भाग रहा है तो वो इधर बिजी रहे तो उसके लिए इन्होंने रूम भी बनाया है जो बहुत ही अच्छा है ताकि बच्चे बिजी रह सके। देखो व्यान आते ही थोड़ा बिजी हो गया। व्यान बैठ जाओ उस पे बैठो बैठो। कोई बात मैं तो आ गई हूँ लेकिन अभी मैं विक्रम जो व्यान का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट है। आ गई है अभी। विहान अब बिल्कुल सोने वाले मूड में चला गया। विहान आ जाओ मामा के पास जाओ। निन्नू आ रही है। निन्नी आ रही है। विहान कहाँ आ गए? हम लोग मिलते हैं सीधे हैदराबाद। विहान बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कृपया अपने सामने वाले रोग यात्रियों के प्रति
हमारा लगेज बेल्ट नंबर 6 पे आने वाला है, तो चलिए वेट करते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही मिक्स फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छा भी लग रहा है कितने दिनों बाद आए हैं, और बहुत बुरा भी लग रहा है सेम। अगर अभी बोलूंगी ना बुरा लग रहा तो घर पे डांट पड़ेगी। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, विक्रम जी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, खा के फिर हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए। हेलो विहान, बाबा कहाँ है? बाबा तिति कहाँ है? तिति बहुत अच्छा बना दिया, पहले ऐसा नहीं था, अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम लोग कैब एरिया में आ गए हैं, ये अपना कैब है और ये हमने अपनी गाड़ी बुक कर ली है, चलिए अब चलते हैं वहाँ पे। पूरा एरिया सिर्फ सारे कैब ही रहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये ओला के लिए है, उन्होंने बुक किया है, वो वाला उबर के लिए है, मतलब सारे हाँ। जो भी है, हैदराबाद की जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग हैदराबाद पहुँच गए हैं, सेफली पहुँच गए हैं। हाँ, व्यान बहुत मिस कर रहा है अपने दादा दादी को, अपने तिथि को, मतलब ईशू को और गीति को। तो हम लोग ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यही पैन कर देते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अभी तो ईशिका नहीं होगी यार बोलने के लिए घंटी बेल, तो हम लोग बोल देंगे उसके बिहाफ पे घंटी बेल बजाना ना भूलिएगा। लाइटिंग नहीं पड़ी बट चलो ठीक है, बाय। हैदराबाद में आके आगे ग्रीनरी देख के मन खुश हो जाता है ना।